गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं मैक्रोनी पराठा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखकर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बनाते हैं पराठा। उसके लिए सबसे पहले चाहिए बॉयल्ड मैक्रोनी और कुछ सब्जियाँ जो आपके घर पर अवेलेबल हों। कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं आप। चलिए हम एक रखते हैं कढ़ाई गैस के ऊपर, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके अंदर डालेंगे अब हम प्याज डाल देंगे सारे और इसको भूनेंगे थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन कलर होने तक। अब एक कड़छी की हेल्प से इसको हिला लेंगे। देखिए हम एक कड़छी की हेल्प से हिला रहे हैं इसको। देखिए हमारे प्याजों का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये हमने छोटी छोटी हरी मिर्च काट ली थी। अब हम कड़छी के हेल्प से इसको चलाएंगे, थोड़ा भुनने देंगे इसको। ये हमने अच्छे से भून ली है। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम शिमला मिर्च जो हमने काट ली थी। देखिए अब हमने शिमला मिर्च डाल ली है। अब इसको हम चला लेंगे, चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे तक सिक ना जाए। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालकर फिर इसको चलाएंगे एक कड़छी के साथ और इस टमाटर को, इन सारे प्याज को, शिमला मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अभी हमने नमक डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स और जो भी आपको मसाले अच्छे लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। और हमने काली मिर्च डाल ली है। आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता तो इसमें लिए मैंने नहीं डाला। इसमें पानी डाल दिया हमने थोड़ा सा ताकि हमारे मसाले पक जाएं। देखिए हमारे मसाले पक गए हैं अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी जो हमने बॉईल की हुई थी। ये हमने मैक्रोनी डाल दी है। अब हम इसको मिला लेंगे मसाले के साथ। देखो हम एक कड़छी की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे इसको। कोई भी मैक्रोनी का पीस बचना नहीं चाहिए मिलने से। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। देख सकते हो आप, मिला लिया हमने अच्छे से। अब हम एक चकला लेंगे। हमने आटा पहले ही भून लिया था तो उस आटे की लोइयां बना लेंगे दो। देखिए हमने एक लोई बना ली है, ऐसे ही दूसरी लोई बना लेंगे। और फिर हम उसको बेल लेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब उसको बेल लेंगे। दूसरी लोई को भी बेल लिया है हमने। अब उसमें डालेंगे मैक्रोनी जो हमने बनाई थी, ठंडा होने के लिए रखा था हमने उसको, ठंडी हो गई है वो। अब उसमें मैक्रोनी डाल देंगे। साइड्स में मत डालें क्योंकि साइड से फिर निकल जाती है और फिर वो अच्छे से बंद भी नहीं होगी। ध्यान से सेट करके मैक्रोनी डालें और जो रोटी हमने बेली हुई थी वो इसके ऊपर रख देंगे, तो साइड से बंद कर देंगे।
बड़े हल्के हाथ से साइड से प्रेस कर देंगे। अभी थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डाल लेंगे, सूखा आटा। इसको पलट लेंगे, दूसरी साइड भी सूखा आटा डाल लेंगे। इसको बेलन की हेल्प से हल्का हल्का चला देंगे, ज़्यादा भारी हाथ से नहीं, हल्के हाथ से चलाना है। और इसको अब गैस पे रख देंगे तवे के ऊपर। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे साइड्स में, ताकि वो चिपके ना। अब एक पलटे की हेल्प से इसको पलट देंगे। अब देख सकते हैं आप सिक रहा है वो, उसमें ऑयल लगा देंगे। अगर आप ज्यादा ऑयल लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर मेरे को तो लाइट ही अच्छा लगता है। पलटे की हेल्प से पलट दिया हमने, फिर इसकी दूसरी साइड भी ऑयल लगा देंगे। तो अच्छे से सिकने देंगे। कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छे से सिक रहा है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर कलर आ गया है इसका। इसको सेक लेंगे अच्छे से और साइड से दबाते रहेंगे ताकि ये सिक जाए। देखिए सिकने लग रहा है, बहुत अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर। क्रिस्पी भी होने लग रहा है ये, बिल्कुल धीमी आंच में सेके। सेक गया है ये अच्छे से। अब हम इस पलटे के हेल्प से इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब आप इसको बटर और चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक